हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू अनटेक एंड मैन अनिंदु। सो फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे लिनक्स से यूज करके किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। सो इसके लिए आप अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए ब्लेना एचआर और ब्लेना एचआर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। तो फिर हमारा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है डाउनलोड सेक्शन में। अभी हम इसे डेस्कटॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो इसको आपको अपने पेन ड्राइव को कंप्यूटर के साथ लगा लेना है। उसको हम न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और रूट यूजर से लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए ./ लगाएंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इसके बाद हमको आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करना है जो हमारे डेस्कटॉप में है। उसके बाद हमें पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है और सिंपली फ्लैश पे क्लिक करना है और हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आपको वेट करना है जब तक ये फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। देखिए हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन गया है। अभी मैं आपके सामने पेन ड्राइव को बूट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सक्सेसफुली हमारा पेन ड्राइव बूट हो गया है। सो ऐसे ही आप लिनक्स का यूज करके किसी भी पेन ड्राइव को बहुत इजीली बूटेबल बना सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सो फ्रेंड, दैट ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।